हेलो दोस्तों, स्वागत है राजन सिंह ब्लॉग में। और ये भाई अभिषेक का तो आप लोग जानते ही होंगे, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। ये भाई, इसका भाई ले जाके घर पर छोड़ दिया कि हाँ मतलब हम रखेंगे सही से। और ये भाई का प्रॉब्लम है क्योंकि अभी ठंडी का दिन है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रहा है। अभी हम लोग को भी लग रहा है, हम लोग जैकेट पहने हैं। और ये भाई ऐसे ही घूम रहा है मतलब अपना साइकिल से, और अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये घर गया और घर जाने के बाद इसकी जो मतलब भाभी जो है वो अपने भाई को बुला के इसे फिर से मतलब मार और जो भी होता है बहुत पिटाई किया लोग इसका। और इसका जो भी सामान था इसमें मतलब बिस्तर उस्तर जो भी था, इसको एक हम लोग कपड़ा भी दिए थे कि यहाँ ठंडी के दिन है, और एक ही सेट कपड़ा था, इसका भाई ने नहीं दिया था तो हम लोग एक खरीद के दिए थे। और सारे चीज़ रख लिए और उन्होंने घर से भगा दिया कि जाओ अपना जीवन अपना खुद दे। अभी बताइए, पैर से विकलांग आदमी है जो कहाँ से अपना मतलब खर्चा उठा सकता है, क्या कर सकता है, क्या मजदूरी भी नहीं कर सकता है, किसी के पास काम भी कुछ नहीं कर सकता है। और ऐसे आदमी का जो मतलब हिसाब जो भी पड़ता है, अपना बाप दादा का शेयर जो पड़ता है, वो सारा चीज़ रख के हड़प लिया है लोग। और इसका विकलांग का बस फायदा उठा रहा है लोग कि ये विकलांग है, ना लड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। तो आज हम ऐसा सबक सिखाएंगे उन लोगों को। आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे लोगों पर जो इसके साथ क्या हो रहा है। और बेचारे इस आदमी को देखिए जो मतलब पैर से विकलांग है, इस पर रहने के लिए रात भर ऐसे ही सोया है। हम लोग को सुबह मालूम पड़ा है दूसरे लड़का से कि जो लड़का को मतलब आप लोग हेल्प किए थे वो फिर से आ गया है। हम लोग आए हैं दोनों भाई पूछने के लिए, तो देखे ऐसे ही सोया था, बस एक कोने में पड़ा हुआ था। तो हम लोग पूछे इसे सारा बात ही उन्होंने बताया। और अब इसे तुम टेंशन मत लो, ठीक है हम जा रहे हैं। और कौन मारा है तुम्हें ये बता बताओ? हमारे भाभी का जो भाई आया है ना, हमारे भाभी का भाई मारा है, भाभी जी। हाँ ठीक है दोस्तों, जितना होगा हम इसका हेल्प करेंगे और बिना हेल्प किए हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अगर मतलब ये हुआ, हम लोग टीवी से बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि हाँ आप तो अगर नहीं होगा तो भाई यहीं पे रहेंगे और सबका हेल्प करेंगे, जरूर करेंगे। और देखते हैं हमसे जो बनता है। वो लोग अभी है कहाँ? वो लोग अभी तुम्हारे भाभी का भाई भी है। हाँ करते ठीक है, हम जा रहे हैं आप लोग, ठीक है हम लेकर आ रहे हैं। और आप क्योंकि और जो भी इसको जरूरी पड़ता है अगर कुछ बिस्तर उस्तर को ला के कर सकते हैं तो ला, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, क्यों मारा रे भाई? इसका भाभी यही ना है हमारा भाभी का भाई। क्यों मारा रे? सरकारी कर रहा था इसलिए। क्या सरकारी किया? क्या सरकारी किया रे? हम कुछ भी लेके सीधे यहाँ से घर पे गए, घर पे गए तो ये बोला कि कहाँ आ रहा है, निकले यहाँ से, तुम्हारा बाप का है क्या? तुम छेड़खानी नहीं की तो इससे हो गया क्या रे? तू कौन है? तू कौन है इसके घर में आके बीच में बोलना? इसका भाई है ना? इसका भाई है ना? इसका भाई है कि ये गाली देगा मेरे बहन को तो मैं छोड़ दूंगा इसको। हम गाली नहीं दिए। इसका भाई है ना? इसका भाई है बोलने के लिए मेरे बीबी के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है बोलना? कुछ ना, क्या किया है? क्या किया है? मैं बहन के साथ छेड़खानी किया है। हम कौन सी छेड़खानी किया है? ठीक है, जो पैर से विकलांग है ये तो सोच रहा है कहीं मैं बैठ के अपना जिंदगी गुजार लूँ, खाना पीना। एक बात बताओ, एक बात बता, तू तुम्हारा घर कहाँ, तुम आया यहाँ क्यों, ये बता। बुलाया मेरे बहन फोन किया तो मैं आया। बहन फोन किया? बहन जो बोलेगी वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानूंगा? अलग सुन ले, दिमाग मत खराब कर, नहीं तो इतना मार मारूंगा समझ जाएगा। ठीक है, अरे भैया मेरे बहन बोलाया, बोला मेरा देवर जी गलती कर रहे हैं तब मैं आया हूँ। बोला अभिषेक ये क्या किया है? जब यहाँ से हम घर पे गए, ठीक है, तो इनका बहन बोली क्या यहाँ से निकलो घर में से। अच्छा, हम कहे हम क्यों निकलेंगे? अच्छा, तो ये बोल रहा है इनका बहन जो बोले तुम्हारा बाप का घर है क्या? अच्छा, इसलिए तो हम क्या के बोले, हम कहे जहाँ हमारा बाप का घर तो है। अच्छा, हम रहेंगे तो नहीं रहना है, सारा सामान निकाल करके फेंक दिया लोग। फिर हम क्या किए वहाँ से ले करके हम यहाँ पे चले आए। ये आया तो हमको धमकी देने लगा, तो फिर उसका बाद में इसका भाई आया तो सारा सामान सब हमारा ढोकर ले गया। यहाँ पे सामान लाया? हाँ लाया थे। फिर ये लेकर लेके चला गया। क्यों लेकर गया रे? क्यों लेकर गया? क्यों लेकर गया? तुम सामान इसका क्यों लेकर गया? क्यों लेकर गया? सामान इसका क्यों लेकर गया? क्यों लेकर जाएंगे? तू खरीद के दिया है इसका सामान? तू खरीद दिया है? नहीं दिया, मेरा पापा दिया है। मेरा पापा खरीद दिया है। झूठ के बहाने से थोड़ा खराब कर दूंगा, समझा ना? पापा खरीद के दिया है। तेरा पापा कहाँ से है? तेरा पापा कहाँ से है? तेरा बाप कहाँ से है? तेरा बाप कहाँ? तेरा बाप कहाँ पे है? क्या हो, मेरा बाप दिया है? मेरा बाप कहाँ से लेके गया हूँ? तू दो भाई के बीच में दरार ला रहा है, ठीक है? क्यों दरार ला रहा हूँ? क्यों नहीं,
इसका बड़ा भाई जब यहाँ से ले गया वो बोलने वाला नहीं है। तू कौन है? इसका बड़ा भाई भोला बाली है। भोला बाली बोलता है? भोला बाला है। और तू सही है? मैं सही हूँ, तब मैं बोला हूँ। क्यों इसे किया? तुझे तू अलग हट भाई, इधर आ, बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे। तुझे घर में तेरा पूरा, अरे भाई बात तो सुन पहले साला, ये देख तो, अरे ठीक है मैं रुक, अरे जो भी कुछ कर रहा है बात सुन पहले, बात सुन पहले साला, ठीक है ओए भाई का भाई अभी देख, बात सुन पहले पहले, इसको तो छोड़ दे ओए रौना चुप है, ओ रौना ओए भाई क्या बोल रहा है, पर रुको मार दूंगा यार, क्या मैं बोल रहा हूं, ओए अभी इसको बड़ा का बड़ा रहा आराम से, अभी इसको छोड़ो, अभी सुन बोल, ये देख मैटर के दिन में कहां आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल, अभी आप इसको मार रहे हो ना, हाँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी शांत करो इसको, छोड़ो अभी, अच्छा ठीक है बोल, जो अभी मैटर है ना अभी प्रेम से बचिया, साला ये बात बोलता है, जब मेरे भाई को ये मारा है तो इसे घर से निकाल, ठीक है मैं इसको साला है, और आकर तुम्हारे तुम इसके पीछे में पड़ रहा है, इसके बाद में आपने क्या पूरे समाज का ठेका ला रखा, रखा हूँ तो चलो फिर समाज को बुलाओ, तुम बुलाओ हम नहीं बुलाएंगे, ठीक है मैं बुलाऊंगा, मैं पंच को बुलाऊंगा, ठीक है पंच को बुलाएगा, हाँ मैं बुलाऊंगा, इसका हक हिस्सा देगा ना, हटेगा जो भी इसका हक हिस्सा बनता है, हाँ मैं उसी दिन दूंगा, हाँ। रख अपने बीबी को और अपने साले को, हाँ रखूंगा, वो अपना बना के खुद खा सकता है, अजीब यार हो, किसी की बात सुनते हो समझते हो, किसी पे हाथ चलाते तो यार जरूर चलाऊंगा, क्यों चलाओगे, जरूर चलाऊंगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, क्यों चलाएंगे, अभी तुम्हें क्या करूंगा समझ आ जाएगा, अरे यार कुछ नहीं होगा, गाँव में अगर पंच रहता है ना तो पहले पंच से सलाह चाहिए, ठीक है, तो किससे पंचायत कराएगा, जो भी किससे, गाँव में बहुत सारे लोग, जो भी हिस्सा बनता है वो दे, वो लेकर जाएगा, जो तुम्हारा है ना उसको मत बना के खिलाना, ठीक है उसका घर में हिस्सा बनता है, चल दे और जा, ठीक है तू साले समझ जा, तेरा थोकड़ा खराब कर दूंगा, इसे भी मार दे, अरे हम हाथ पे जमी नहीं है, बालू बुला के दूंगा, कोई जगह तुम बुलाओ मुखिया को, मैं हम लोग क्यों बुलाएंगे, तुम लोग का हम बुलाएंगे, तुम लोग बुलाओ हम लोग बुलाएंगे, अरे सुन भाई बिना मुखिया और सरपंच को बुलाए, यार इसने गलती की है, मुखिया सरपंच को बुलाए तो मैं धो सकता हूँ, समझा, बात तो सुनो, हमें मत जलाना, अरे ठीक है भाई इसने गलती की, मैं मान गया, और इसके साथ है जी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है नहीं लाना इसके बीच में, हाँ तुम दोनों भाई का मैटर है ना, तुम मुझे क्या, मुझे तो कोई पता ही नहीं चला, बीच में साला होके तू कौन होता है हाथ उठाने वाला, अरे ठीक है यार इसने गलती किया, ठीक है तुम्हें भी तो फोन करना चाहिए था मेरे को, और मुझे बता दे कैसे कॉल करो, तुम्हारी वाइफ है ना जो सब एक खेल रचा रही है इसके साथ, विकलांग है तुम्हारा भाई, अगर वहीं सही रहता ना तुम्हें इतना मार मारता समझ जाता, अरे ये सही होता तो इसे, ये सही होता तो अरे यार मुझे कुछ पता नहीं चला यहाँ पे, इसका जो भी सामान रात का मैटर हुआ सुबह आप लोग पहुंच गए, सुनो सुनो रात भर यहाँ पे कैसे जी के रहा है तुम्हें मालूम है, अरे ये सही होता तो कंबल का भाई का है, बिना कंबल का बिना बिस्तर का यहाँ पे कोई रह सकता है, तू रहेगा, अरे यार रात का मैटर सुबह कैसे पहुँच गए, कितन का मैं नहीं पहुँचेंगे, कैसे पहुँच गए, पहुँच जाते हैं लोग ना, पहुँच जाते हैं, अजीब धंधा है यार, और हमें मालूम हो जाएगा ना, अब पंचायत कब करेगा बोल, इसको सही करना, चलो कल पंचायत करा लेते हैं, जा कल चलो मेरे घर, ठीक है चलो मेरे घर, चलो मेरे घर और रहना और पंचायत करा, और इसका जो भी हिस्सा हक हिस्सा बचता है 10 लोग को बैठा और इसका हक हिस्सा दे और भाग जाए यहाँ से, चलो ठीक है रख अपना सामान, चल जा इधर से, चलो यार इसके बाद में से गलती मत करो यार, तुम लोग की वजह से मेरी भी बदनामी होती है।